नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में, जो हमारा संबंधित है। अभी जो JNU में बवाल मचा हुआ है उसी से संबंधित है। शिक्षा को सब्सिडी तो देनी ही होगी। इसके संपादक हैं हरिवंश चतुर्वेदी, निदेशक हैं बेमटेक के, राजधानी के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा हॉस्टल फीस की गई वृद्धि के खिलाफ छात्र संघ का आंदोलन जारी है। मानव संसाधन मंत्रालय ने 3 सदस्यीय एक समिति के गठन की घोषणा की है, जो विद्यार्थियों अन्य पक्षों से बातचीत करके समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेगी। इस प्रसंग में यह सवाल उठना जरूरी होगा कि क्या विश्वविद्यालय प्रबंधन को 19 साल बाद फीस बढ़ाने का अहम फैसला करने से पहले छात्रों व शिक्षकों से बातचीत और सलाह मशवरा नहीं करना चाहिए था। फिर फीस ही क्यों? क्या विश्वविद्यालयों में निरंतर संवाद और पारंपरिक सहमति द्वारा हर छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढा जाना चाहिए? क्या संवादहीनता की इस दीवार को ढाए बिना JNU जैसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सुचारू रूप से चलाए जा सकते हैं? देश में 43 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। उनके कुलपतियों की जवाबदेही सीधे भारत सरकार और महामहिम राष्ट्रपति के प्रति होती है, जो इन विश्वविद्यालयों के विजेटर होते हैं। इन विश्वविद्यालयों में होने वाली कोई भी घटना या आंदोलन तुरंत राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बनता है, क्योंकि अपनी ऐतिहासिक विरासत, राजनीतिकरण और अकादमिक विशिष्टता के कारण ये देश के शीर्ष विश्वविद्यालय माने जाते हैं। JNU को देश की आज़ादी के बाद स्थापित नए विश्वविद्यालयों में एक प्रमुख विश्वविद्यालय माना जाता रहा है। दक्षिण दिल्ली की अरावली पर्वत श्रृंखला में 1,000 एकड़ में फैले इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में लगभग 9,000 विद्यार्थी और 650 प्रोफेसर, PhD करने वाले छात्रों की संख्या ही 5,000 से अधिक है। पिछले 50 वर्षों में JNU में ने देश की उच्च शिक्षा, सरकार और समाज में अपनी खास जगह बनाई है, जो मुख्य रूप से इसकी शोधपरकता है और उच्च शैक्षणिक वातावरण का परिणाम है। इस छवि के निर्माण में JNU की फैकल्टी और एलुमनाई का बड़ा योगदान है। JNU की एलुमनाई देश भर में और विश्व स्तर पर अपने शोध कार्यों एवं सामाजिक सरोकार के लिए जानी जाती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अनेक मंत्री JNU के पूर्व छात्र रहे हैं। मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर इसके छात्र रह चुके हैं। हाल ही में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी MIT यूनिवर्सिटी में भी JNU में पढ़ाई कर चुके हैं। भारत में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में फीस निर्धारण का मामला बेहद पेचीदा है। इस बारे में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अलग अलग नीतियां व कानून बनाए गए। ज्यादातर केंद्रीय विश्वविद्यालय आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जरूरी मानव संसाधन जैसे वैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक, प्राध्यापक, प्रशासक और बुद्धिजीवी तैयार करने के लिए बनाए गए थे। कई केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालयों का जन्म स्वाधीनता आंदोलन को समर्थन देने के लिए हुआ था। JNU से शुरू से यह कोशिश की है कि देश के पिछड़े क्षेत्रों और वंचित वर्गों के युवाओं को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के समुचित अवसर मुहैया कराए जाएं। यूं तो इस विश्वविद्यालय में सभी विश्वविद्यालयों की तरह भारतीय संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से विपन्न परिवारों के युवाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्थाएं, किंतु इसकी प्रवेश नीति में सामाजिक, सांस्कृतिक
व भौगोलिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों और गरीब परिवारों के नौजवानों के लिए कुछ विशिष्ट प्रावधान भी हैं। अनुमान है कि JNU के 45% छात्र छात्राएं पिछड़े क्षेत्रों और विपन्न परिवारों से आते हैं। कई समाज विज्ञानियों और शिक्षाविदों ने समय समय पर इस विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया की सराहना भी की है, जो सामाजिक विविधता पर आधारित है। इसी का नतीजा है कि JNU में शुरू से ही ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस बहुत कम रही है। JNU में फीस वृद्धि के खिलाफ फूटे आंदोलन का प्रमुख कारण एक तरफ विश्वविद्यालय के में प्रशासन और छात्रों के बीच पिछले कुछ वर्षों से चल रही संवादहीनता की स्थिति है, जिसके स्पष्ट रूप से राजनीतिक कारण है। दूसरी ओर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हॉस्टल कमरे के किराए में एक मुश्त 30 गुना वृद्धि करना उचित नहीं ठहराया जा सकता है। किराए में वृद्धि के साथ साथ हर विद्यार्थी से बिजली पानी और सफाई के लिए 1700 रुपये की मासिक सेवा शुल्क भी अतिरिक्त रूप से लगाया गया है, जो आमतौर पर कमरे के किराए का ही भाग होता है। JNU छात्र संघ द्वारा फीस वृद्धि के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ टीवी चैनल जो आमतौर पर JNU से जुड़े किसी भी प्रकरण पर तुरंत सक्रिय हो जाते हैं, इस बार भी कुछ मुद्दों को बार बार उछाल रहे हैं। इनमें एक मुद्दा है कि केंद्र सरकार पहले से ही JNU के छात्रों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है, जो एक तरह से इसके छात्रों को राजनीति करने के लिए सब्सिडी देने जैसा है। बताया जाता है कि JNU पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हर साल करीब 518 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है, जबकि ट्यूशन फीस आदि से सिर्फ 7 करोड़ रुपए की राशि जुट पाती है। यह कुल खर्चे का सिर्फ 1.14% है। पर क्या सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय इसी ढंग पर नहीं चलाए जा रहे हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय पर प्रति वर्ष 2352 करोड़ रुपये का खर्चा होता है, जबकि सालाना फीस से सिर्फ 103 करोड़ रुपये आते हैं, जो इसके कुल खर्चे का 4.4% है। BHU पर सालाना 1070 करोड़ रुपये का खर्च आता है, जबकि फीस से सिर्फ 52 करोड़ रुपये मिलते हैं, जो कुल खर्च का 4.9% है। प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में 25% गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, 25% कमजोर तबके के छात्रों को 30 से 70% तक शुल्क मुक्ति देने की सिफारिश की है। अभी इस प्रारूप को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया जाना शेष है, तभी यह स्पष्ट होगा कि भविष्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में फीस निर्धारण का क्या फॉर्मूला होगा। फिलहाल देश की तमाम सरकारी यूनिवर्सिटी में आर्थिक स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों की उच्च प्राथमिकता ऐसी तमाम योजनाएं।